आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम है, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, नर रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। ये कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है, एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो राम और कृष्ण की परंपरा पर भी श्रद्धा रखती है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करती है, राजा भोज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ने का कार्य करती है, यह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था।